जिनका टर्नओवर मैं समझता हूँ कि 100 करोड़ 1000 करोड़ तक भी है। तो एमएसएमई और जो मध्यम इंडस्ट्री है और जो बड़ी इंडस्ट्री है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। यदि हम देखें कि यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी मात्रा में, यदि कई लोग तो डेट्रॉइट भी बोलते हैं जो कि अमेरिका में फेमस है ऑटो इंडस्ट्री के लिए, वैसे ही हमारा पीथमपुर है और यहाँ का जो ऑटो क्लस्टर है वो भी इंडिया में सबसे बड़ा है। तो एक प्रकार से ऑटो एंसिलरीज और लार्ज स्केल यूनिट्स यहाँ पर काफ़ी आई है। उसके बाद फार्मा इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडिया की फार्मा कंपनीज हैं या मल्टीनेशनल फार्मा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके सबके प्लांट यहाँ पर हैं। इन लोगों के आने से ये हुआ कि इनकी एंसिलरी यूनिट और जो इनके सप्लायर्स थे वो सब खुद एक छोटे उद्योग के रूप में पनपते गए और आगे बढ़ते गए। और सिर्फ इन्हीं सेक्टर की बात नहीं है, फूड इंडस्ट्री भी बहुत फेमस है हमारे यहाँ के। फूड के जो पेटेंट हैं, जैसे अब रतलाम के हमारे पोरवाल साहब बैठे हुए हैं, तो फूड का भी वहाँ की सेव पेटेंट हुई है। हमारे एमएसएमई के सारे अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं स्पेशली उनका बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने यहाँ पर अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला आने के लिए, और हमेशा इनका सहयोग हमको मिलता है एमएसएमई का। तो बिना इनके सहयोग के छोटे उद्योग कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि छोटे उद्योग का हाल ये होता है कि एक ही व्यक्ति होता है, उसी को इंडस्ट्री चलाना है, उसी को ऑफिस खोलना है, उसी को फैक्ट्री खोलना है, उसी को माल बेचना है, उसी को कलेक्शन भी करके लाना है, उसी को बैलेंस शीट भी बनाना है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उसका काम यही होता है। और ये लोग इतना सहयोग करते हैं हर प्रकार से, चाहे टेक्निकल असिस्टेंस हो, चाहे गाइडेंस हो, चाहे फाइनेंस की आवश्यकता हो, गवर्नमेंट रिलेटेड जितनी भी औपचारिकताएं हैं सब में गाइडेंस करते हैं। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ वर्कशॉप पूरे साल करते रहते हैं, तो इस वजह से काफ़ी सहायता मिलती है और उद्योग आगे बढ़ते हैं। तो मैं फूड इंडस्ट्री की बात कर रहा था। फूड इंडस्ट्री में भी इंदौर का इतना नाम है, यहाँ के सेव, नमकीन और दूसरे जो भी फूड है, लोग एक बार खाते हैं तो उसके दीवाने बन जाते हैं। और काफ़ी एक्सपोर्ट यहाँ से होता है, यहाँ का जो सोयाबीन का क्षेत्र है, सोया तेल का यहाँ से काफ़ी एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा जो दूसरे अनाज हैं, यहाँ पे गेहूँ इतना होता है कि दूसरे राज्यों में भी जाता है और एक्सपोर्ट भी होता है। इंदौर की मंडियाँ विश्व प्रसिद्ध है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो। तो एक प्रकार से मध्य भारत में होने की वजह से इसकी भौगोलिक स्थिति का ऐसे बहुत फ़ायदा मिलता है। आज ट्रांसपोर्ट का भी ये हब बना हुआ है, इसी कारण से जितने भी गुड्स का कैरी फॉरवर्ड होता है वो इंदौर से ही होता है मैक्सिमम, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाए, उसे एक बार इंदौर आना ही होता है। तो इसका फ़ायदा यहाँ लोकल उद्योगों को मिलता है, उनकी कनेक्टिविटी कहीं भी होती है, इंदौर से माल कहीं भी आसानी से भेजा जा सकता है। और इसी कारण ग्लोबल समिट में काफ़ी बाहर के इन्वेस्टर्स इंदौर आते हैं और यहाँ की इस भौगोलिक स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और कई प्रकार की इंडस्ट्री इस प्रकार से यहाँ पनपी है, आगे बढ़ी है और उन्होंने नाम कमाया है। और हम लोग भी इसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि उद्योगों को बढ़ावा मिले, सभी का सहयोग हमें मिलता रहे। हमारे जैसे कैलाश जी और कोरवाल जी तो मेरे साथ हमेशा रहते ही हैं, लेकिन मालवा चैम्बर का भी हमें हमेशा सहयोग मिलता है। और नारायण साहब आज मेरे एक अनुरोध पर पधारे, मैं उनका आभारी हूँ। हमारे राजेंद्र जैन साहब जो कि आज विश्व प्रसिद्ध हैं, आज जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनकी फैक्ट्री में भी काफ़ी सारा R&D होता है और ये लोग भी उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट है या जो पार्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो मुझे भी इतना हर्ष मिश्रित आश्चर्य हुआ कि वास्तव में ये दौर में हो रहा है और आज ये आप लोगों के बीच बैठे हुए हैं। जैसे हमारे केपको वाले हैं, आज इंदौर में स्वच्छता का नंबर 1 नाम आया है। तो जो सफाई में जिन लोगों ने सहयोग दिया उसमें केपको का भी नाम है साहब। इनके जो टॉयलेट्स हैं हर जगह, आप राजवाड़ा में भी जाएंगे छोटा सा आपको केबिन के जैसा टॉयलेट मिलेगा, ये सब साहब का बनाया हुआ है। इतनी अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर और यही लोग इस प्रकार से जब सहयोग करते हैं तो एक दूसरे से नेटवर्किंग से सबको फ़ायदा मिलता है। हर काम पैसे से नहीं होता है, कुछ इस प्रकार से रिलेशन से होता है। जैसे अब उद्योगों में कई बार विवाद हो जाते हैं, कोई फाइनेंस का विवाद है, कोई टेक्नोलॉजी का विवाद है या कोई आपसी मतभेद है, तो उसके लिए लोग कोर्ट में जाते हैं या वकील की सहायता लेते हैं। उसमें बहुत खर्चा होता है। हमारे आर्बिट्रेशन फोरम के चेयरमैन साहब यहाँ खुद आए हुए हैं कोर्ट सर। तो ये सब चीज़ें मायने रखती है
कि हर काम पैसे से नहीं होता है, एमिकेबली सेटलमेंट हो जाता है इंडस्ट्री के डिस्प्यूट का। तो इसी प्रकार से काफ़ी सारी आज यहाँ पे जो जैसा कि बताया कैनन, सैमसंग और ये जो दूसरी कंपनियों ने जो आपको आज यहाँ पे आमंत्रित किया है, मैं भी GFID की ओर से उन सभी का धन्यवाद देता हूँ। और आज आपको काफ़ी कुछ बताने जा रहे हैं जो नई टेक्नोलॉजी है और अपने इंडस्ट्री में हम किस प्रकार से उसको हम अप्लाई करें और उसका फ़ायदा उठाएं। और पैनल डिस्कशन बहुत अच्छा रखा है इन्होंने, उसमें काफ़ी सारे आपके बीच से ही लोग हैं जो अपने ही लोग हैं वो चर्चारत रहेंगे और नई नई चीज़ें उसमें एक दूसरे को बताएंगे, सीखने का मौका है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।